तो अब तक हमने बॉयल्स लॉ के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। अब हम दूसरे गैस लॉ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखा था, वैसे ही चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे। जैसे बॉयल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कंक्लूड करा था, वैसे ही चार्ल्स ने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके इस रिजल्ट को कंक्लूड करा था। इसमें उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है हॉट एयर बलून का, जहां पे उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और हॉट एयर बलून के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ही आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है। इस बलून का इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है। तो चार्ल्स ने क्या करा, चार्ल्स ने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। तो जब ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो उन्होंने ये नोट करा कि जो बलून का वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के 1/273.15 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। उसी तरह उन्होंने टेम्परेचर को दोबारा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो फिर से ये वॉल्यूम 1/273.15 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो ऐसे उन्होंने बहुत बार 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके वो इंक्रीज करते गए। उन्होंने हर बार ये देखा कि वो जितने डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते जा रहे थे उतनी ही बार उतने डिग्री सेल्सियस बाय 273.15 के फैक्टर से इंक्रीज होते जा रहा था। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि अगर वो इन जनरल टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो उनका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के T/273.15 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। इसको उन्होंने मैथमेटिकली थोड़ा रीअरेंज करा, जैसे कि वी नॉट को कॉमन लिया और 1+273.15 का LCM लिया। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, जहां पे फ्रैक्शन में जो 273.15 है उसको हम बाहर लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट के अंदर बहुत ही सिमिलर सी इक्वेशन दिख रही है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर रहे हैं। ऐसा हमने कहां देखा है? ऐसा हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड करते हैं तो हमें टेम्परेचर इन केल्विन मिलता है। हमारी केल्विन स्केल यहीं से आई है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वी फाइनल वॉल्यूम को हम वी नॉट बाई 273.15 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन लिख सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि वी नॉट बाई 273.15 एक कॉन्स्टेंट है, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, और यही हमारा चार्ल्स लॉ है। तो अगर चार्ल्स लॉ को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेट करना चाहूं तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाऊं तो उसकी जगह मुझे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो इस कांस्टेंट को हम के डैश से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो एक कांस्टेंट है। जैसे कि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करा था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वैसे ही चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट करना चाहेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब अगर हमें इसको प्लॉट करना है तो हमें मैथमेटिकली इसकी इक्वेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि ये दोनों काफी सिमिलर इक्वेशन है, और हमने मैथ में पढ़ा है कि वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है। तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ आएगा वो भी कुछ ऐसा ही आएगा कि हमें वॉल्यूम
और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि ये ग्राफ हम कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहे हैं, तो इसको हम आइसो बार बोलेंगे। आइसो मतलब सेम, बार प्रेशर का यूनिट होता है, इसलिए आइसो बार। अब अगर यही ग्राफ हम अलग अलग प्रेशर पे बनाना चाहे, P1, P2, P3, जहां पे P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, तो हम देख सकते हैं कि हमें ये आइसोबार्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्लोप इंक्रीज होते जाएगा। तो चलिए चार्ल्स लॉ को अब हम एक सिस्टम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जहां पे उसका वॉल्यूम V1 है। इस सिस्टम के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है। आप ये मान लीजिए कि ये मूवेबल पिस्टन फ्रिक्शनलेस है और यहां से कहीं भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो सकती। ये सिस्टम हमारा टेम्परेचर T1 पे है और प्रेशर P पे है। तो अगर यहां पे हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करें तो हम उससे ये लिख सकते हैं कि V1/T1 के डैश के बराबर होना चाहिए। अब हम इसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कैसे, कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। यहां पे हम प्रेशर को चेंज होने नहीं दे रहे, तो हमने अब सिस्टम को एक नई कंडीशन पे ला दिया जहां पे उसका वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। अब क्योंकि यहां पे हमने प्रेशर चेंज नहीं करा है, इसका मतलब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और हमारी गैस का जो अमाउंट है वो भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये भी चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं V2/T2=K-। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि V1/T1=V2/T2 which is equal to K-। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए तो अब चार्ल्स लॉ के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है फॉर चार्ल्स लॉ। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट का समय लीजिए। तो अगर हमें चार्ल्स लॉ के लिए इसको प्लॉट करना है तो हमें पता है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। और इसको प्लॉट करके भी हमने देखा है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो ओरिजिन से पास होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में प्लॉट करने को नहीं बोला है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में प्लॉट करने को बोला है। तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए। तो देखते हैं ये रिलेशन कैसे आएगा। तो ये रिलेशन लाने के लिए मैं इसका एक छोटा सा मैनिपुलेशन करूंगा। कैसे, कि हमें पता है टेम्परेचर इन केल्विन को हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे वो इक्वेशन कैसी मिलेगी। वो इक्वेशन हमें कुछ ऐसी मिलेगी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। अब अगर हमें इसको प्लॉट करना है तो हमें किसको किसको प्लॉट करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को। तो इसका मतलब वाई एक्सिस में मैं वॉल्यूम प्लॉट कर रहा हूं और एक्स एक्सिस को टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को प्लॉट कर रहा हूं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमें वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी के सिमिलर दिख रही है। अब हमें पता है वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां पे ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंटरसेप्ट दिख रहा है जो कि 273 × K है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ प्लॉट होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो अगर मैं
वॉल्यूम की वैल्यू को जीरो लेता हूं और उस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -273 आ रहा है। तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं।